बदायूं में कार से स्टंट करते हुए युवक ने बनाई रील, एक 4 मई तो दूसरा 3 जून का बताया जा रहा है वीडियो। सदर कोतवाली सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। जौनपुर में दबंग लड़कों ने बारातियों की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की, बारातियों से मारपीट की गई, बवाल का वीडियो भी सामने आया। जलालपुर थाना क्षेत्र के हौस गांव का मामला। हरिद्वार में यात्रा के चलते हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर लगा जाम, यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हो रही है परेशानी। शाइस्ता की करीबी मुंडी पासे के खिलाफ FIR, पेट्रोल पंप पर युवक के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप, धूमनगंज थाने में दर्ज हुए नामजद FIR। लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर भाजपा के साथ जा सकती है सुभाजपा, अगले महीने भाजपा नेताओं के साथ ओम प्रकाश राजभर भी कर सकते हैं बैठक, राजभर ने अपने प्रभाव वाली सीटों का डेटा तैयार किया। आज गोरखपुर में टिफिन पर चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, 2024 चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र, शाम 4 बजे अलग अलग CHC में PICU वार्ड का उद्घाटन भी करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जन समस्या के समाधान के निर्देश। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस, ने कांग्रेस से बनाई रणनीति, उत्तराखंड में चलाएगी चिट्ठी अभियान, भाजपा संगठन को चिट्ठी भेजकर 9 साल पर कांग्रेस पूछेगी 9 सवाल। फतेहपुर में संदिग्ध अवस्था में प्रेमी प्रेमिका का शव एक कब्रे में फांसी के फंदे से लटका मिला, पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया, आगे की जांच पड़ताल में जुटी जहानाबाद थाना क्षेत्र के मोहल्ला चंदा गली की घटना। अंबेडकर नगर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, 2 सगे भाइयों ने आपस में मारपीट की, एक युवती की मौत हुई, कई घायल, खानपुर शाही सुलेमपुर गाँव का मामला। अमरोहा में लूटपाट और वाहन चोरी के आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, 3,50,000 की संपत्ति धनोरा पुलिस ने जब्त की, आरोपी ने अवैध रूप से कमाई थी ये संपत्ति। एटा पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान 2 गौ तस्करों को मारी गोली, घायल हालत में एटा मेडिकल कॉलेज रेफर, बड़े पैमाने पर गौ तस्करी करते थे आरोपी। पीलीभीत में कटान रोकने के नाम पर सामने आए घोटाला, शारदा किनारे टूटे पर कोई पाइप लगाने पर ग्रामीणों ने जाहिर की नाराजगी, मामला संज्ञान में आने के बाद अफसरों ने कार्रवाई की बात कही। देहरादून पुलिस ने भूमाफिया अतीक अहमद के घर को ध्वस्त किया, गिरोह बनाकर जमीनों पर कब्जा करता था गैंगस्टर अतीक अहमद। बुलंदशहर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, पुलिस ने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला, घर में आग से लाखों का नुकसान। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 18 में बिजली सप्लाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी, मिनी निजी जनरेटर लगाकर काम चला रहे हैं, CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने जल समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। मेरठ में लूट के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर हमला, आरोपी के परिजनों ने पुलिस से धक्कामुक्की की, हाथापाई में कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। झांसी में पुलिस ने गैंगस्टर राजू यादव पर शिकंजा कसा, गैंगस्टर की 7 करोड़ की संपत्ति कुर्की, अलग अलग जगहों पर थी गैंगस्टर राजू की जमीन। जौनपुर में गैंगस्टर जितेंद्र यादव के होटल को प्रशासन ने सीज किया, सिटी स्टेशन के पास बने होटल पर कार्रवाई की, भू माफिया जितेंद्र यादव पर दर्ज है कई मुकदमे। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कानपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग, आसपास के दुकानदारों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पीलीभीत में ट्रॉली के नीचे दबकर किसान की मौत, मृतक के परिजनों ने में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में बिना नंबर की कार ने 3 लोगों को टक्कर मार दी, 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, पुलिस ने कार सवार एक युवक को हिरासत में लिया। वाराणसी में बालासोर हादसे में मृतकों को गंगा आरती के दौरान दी गई श्रद्धांजलि, लोगों ने जलाए मिट्टी के 101 दिए, दशाश्वमेध घाट पर हजारों पर्यटकों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। कानपुर में व्यापारियों ने बालासोर रेल हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी, भारत माता प्रतिमा स्थल पर इकट्ठा हुए व्यापारी, हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। फतेहपुर में उत्तराखंड के पूर्व CM रमेश पोखरियाल निशंक ने बालासोर रेल हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा पीड़ित परिजन परिवार वालों के प्रति पूरे देश की शोक संवेदनाएं।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बालासोर रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा हादसे के मुआवजे की राशि काफी कम, दोषियों का खुलासा होना चाहिए। शाहजहांपुर में नगर निगम का पहला अधिवेशन, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मेयर अर्चना वर्मा, सांसद अरुण सागर हुए शामिल। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा में जनहित के कई फैसले। कानपुर के बिठोर विधानसभा से भाजपा विधायक का वीडियो सामने आया, पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। एसीपी घाटमपुर से फोन पर सार थाना प्रभारी और दारोगा संजीव कुमार की शिकायत की। सांसद ब्रजभूषण के समर्थन में अयोध्या हनुमानगढ़ी के संत का। ब्रजभूषण ने शरण सिंह के लिए कुछ भी करने को है तैयार, खिलाड़ी मेडल के साथ मिले पैसे और नौकरी भी लौटा दे। कन्नौज में पुलिस से मारपीट के आरोप में एफआईआर होने पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सफाई दी। कहा मारपीट का आरोप सरासर गलत, सीसीटीवी फुटेज से साफ होगी तस्वीर। शामली में खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए हुई महापंचायत, लिसाड़ गांव के गठवाल मलिक के खाप चौधरी ने किया महापंचायत का आयोजन, अलग अलग खापों ने पंचायत में हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में पत्नी से हुए विवाद में पति ने खुदकुशी कर ली, पति ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर में 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद, अंतरराष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 1,80,00,000 रुपए, एसओजी और रोजा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। गोरखपुर में पुलिस के खौफ से गैंगस्टर राकेश यादव ने सरेंडर किया। राकेश यादव के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी में थी पुलिस, डीडीए का नक्शा और कागजातों की जांच के बाद कर सकती थी कार्रवाई। इटावा में पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार, चोरी की कई बाइक्स बरामद, शौक को पूरा करने के लिए करते थे बाइक्स की चोरी। हरिद्वार में चमगादड़ टापू पर बनी सिंचाई विभाग की पार्किंग पर उठे सवाल, पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में, डीएम ने एसडीएम को टेंडर प्रक्रिया में जांच के आदेश दिए। हरिद्वार में व्यापारी से मांगी गई रंगदारी, लॉरेंस विश्नोई के नाम पर मांगी गई रंगदारी, मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम गठित। जल जीवन मिशन में यूपी का दिखा दबदबा, राष्ट्रीय सर्वेक्षण में बेस्ट परफॉर्मिंग जिलों की श्रेणी में पहुंचे यूपी के 3 जिले, बागपत, महोबा और झांसी को मिला 4-स्टार रेटिंग। कानपुर में गुमटी नंबर 5 इलाके में दो गाड़ियों के टक्कर के बाद बवाल हुआ, चेक कमीज पहने शख्स ने खुद को विधायक का भतीजा बताकर गुंडाई की, पुलिस के सामने महिला से अभद्रता की। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला, 3 बदमाशों ने चाकू से हमला किया, 1 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, 2 मौके से फरार। कौशाम्बी में चलते ट्रक के बोनट पर खड़े होकर युवक का स्टंट करते हुए वीडियो सामने आया, जानलेवा स्टंट का पुलिस ने संज्ञान लिया। चित्रकूट में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने जहर खाकर खुदकुशी की, मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट की तैयारी कर रहा था मृतक अभय, सीतापुर चौकी क्षेत्र के बाढ़ तालाब मोहल्ले का मामला। शाहजहांपुर गड्ढे में फंसी यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की कार, राहगीरों ने लगाया धक्का, मंत्री को गुस्सा आया, चौक कोतवाली के पुराने जिला अस्पताल का मामला। सोनभद्र में आरटीओ में जारी है अवैध वसूली का खेल, ट्रक मालिक से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। श्रावस्ती में बैंक में पैसा जमा करने गए ग्राहक का नकाबपोश महिला ने लाखों रुपए उड़ा लिए, पीड़ित ग्राहक ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। उन्नाव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मृतका के गले और चेहरे पर चाकू के निशान मिले, मृतका के पिता ने चचेरे देवर पर हत्या के आरोप लगाए। हापुड़ पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी के घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ और रेप का आरोप। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में रुद्रपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, भेजा गया जेल। कुशीनगर में मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म के आरोपी तथा कथित डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर में डबल मर्डर केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, कटोघन पेट्रोल पंप के पास इसने 2 लड़कियों को मारा था। कौशाम्बी में प्रेमिका से प्रताड़ित युवक ने आत्महत्या की, आत्महत्या से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा था जिसमें प्रेमिका पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। गुंडा में बीजेपी विधायक के नाम युवक ने लाखों की ठगी की, पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, नौकरी के नाम पर झांसा दिया था।
लखीमपुर खीरी में बाघ की मौत से मचा हड़कंप। देर रात एक घर से निकला बाघ वन में देखा गया। वन विभाग की टीम ने शव को बरामद किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिजनौर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रेंज डैम जलाशय में दिखा मगरमच्छ। मगरमच्छ दिखने से कॉर्बेट के अफसरों ने खुशी जाहिर की। 8 फीट लंबे मगरमच्छ की वीडियो भी सामने आई। जौनपुर में गैंगस्टर जितेंद्र यादव के होटल को प्रशासन ने सील किया। पुलिस ने मुनादी कर सील किए होटल को। अवैध तरीके से धन अर्जित कर प्रॉपर्टी बनाने का आरोप। मुजफ्फरनगर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा गया। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुख जताया। हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उड़ीसा ट्रेन हादसे पर शोक जताया। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। संत कबीरनगर में जिलाध्यक्ष की कमजोरी के चलते कार्यालय पर दूसरी बार आपस में भिड़े सपाई। पूर्व सांसद के पुत्र सोनू यादव व नेता सिराज अहमद खान के बीच हुआ था विवाद। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा की बैठक में हंगामा। पार्टी कार्यालय पर बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला। एक कार्यकर्ता ने शोषण का आरोप लगाते हुए वहां पर हंगामा काटा। मथुरा में युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल। पीड़िता के परिजनों ने दर्ज कराया मामला। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महिला पहलवानों के समर्थन में AIPWA AISA RYA का लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस ने नोकझोंक। बालासोर ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पटरियां दुरुस्त करने का काम जोरों पर। अब तक हावड़ा चेन्नई रूट की 90 ट्रेनें रद्द, 46 का रूट डायवर्ट। पहलवानों के मुद्दे पर सोनीपत के मुंडलाना में होगी महापंचायत। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी होंगे शामिल। महापंचायत में पहलवानों के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का फैसला लिया जाएगा। आज केरल के कोच्चि जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कोच्चि के अमृता हॉस्पिटल के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4:30 बजे का कार्यक्रम। आज से 5 दिन के राजस्थान दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरएसएस के क्षेत्रीय संघ संचालक रमेश अग्रवाल ने मीडिया को जानकारी। कर्नाटक के मंगलुरु में सोमेश्वर बीच पर केरल के 3 लड़कियों की पिटाई। 6 लड़के लड़कियां समंदर किनारे घूम रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने लड़कों से पूछताछ के बाद उन्हें पीटना शुरू कर दिया। नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।